कैसे माधव सिंह, ठोक डाला ना हमने आपकी कराची किंग की टीम को पिशावर जुल्मी ने। कभी हम भी ऐसा हुआ करते थे तुम्हारी टीम का, लेकिन पहली बार गए पिशावर की टीम में, अब देखना हम क्या क्या करते हैं। ओ बाबर भैया, तुम्हारा धुक्का लग गया, तुम जीत गए। ये टॉम कैडमोर ससुर का नाती कुछ रन बना गया, तुम हमारे साथ क्या क्या कर लोगे? एक मैच और है, वो हम जीत लेंगे, बदला ले लेंगे, बस बराबर हो जाएगा। अमाद वसीम ब्रदर, तुम्हारे बस का बात नहीं होता, तुम मैच जीतता, दूसरे मैच में भी हम तुमको ठोकेगा। उसके बाद भैया हम तो फाइनल तक जाएंगे, फाइनल जा एलिमेंटर में हमारे सामने भूल के भी मत आना, ठोकेंगे। अबे बस करो टॉम कैडमोर के बच्चे, ये तुम्हारा टीम गलती से जीत गया है पेशावर जलमी। तुम अभी से फाइनल खेलने के सपने देख रहे हो भूतने वाले, आगे तो खेलो, हम तो भैया दूसरे मैच में आपसे बदला लेंगे, याद रखना। हाँ मलक भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ससुरी वालों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभी तो एक ही मैच हुआ है, ये मैच भी हमने जीत जाना था, हमारे पहले 4 विकेटें जल्दी गिर गई, उसके बाद मेरी और मलक की साझेदारी अंतिम तक चल जाती ना, हमने ठोकना था, ऐसा बच गए। अबे बस करता माज वसीम का बच्चा, वो तो हमको तरस आ गया, तुम्हारा हमने क्या जानबूझ के छोड़ा था, ड्रॉप नहीं हुआ था, हमने सोचा यार ये भी कुछ रन बना ले, ज्यादा रन से हारेंगे तो इनका रन रेट कम हो जाएगा, हमको तरस आ गया था। हाँ जुम्मी निशम, ये इनका काम नहीं होता, ये मेरा और टॉम कैडमोर का ही काम होता कि तीसरी विकेट के लिए इतने रन की साझेदारी लगाई, अभी मैं भी आउट हो गया, टॉम भी आउट हो गया, वरना 250 रन थे। अब देखना ये कराची वाले इस साल एक मैच भी नहीं जीत पाएंगे। हाँ बाबर भैया बिल्कुल ऐसा होगा, पिछले साल तो एक मैच जीत गए थे, वो आपकी बदौलत, क्योंकि आप पिछले साल इसकी टीम में थे। मुझे देखो पहले 2 विकेटें ली, फिर मेरे को तरस आ गया, मैंने कैच छोड़ दिया, वरना इनसे तो 100 रन भी नहीं बनने थे। अबे चुप करो पेशावर जुल्मी वालों, खामखा दिमाग खराब कर रहे हो। बाबर भैया एक मैच आपकी टीम गलती से क्या जीत गई, वो तो शुक्र मनाओ, मेरा बल्ला नहीं चला, मैं पहली गेंद पर 0 के स्कोर पर आउट हो गया, अगर मैं आउट ना होता 10 विकेटों से ठोकना था, वो भी 13 ओवरों में। अबे बस कर ससुर के नाती शर्जील खान के बच्चे, पिछले साल में तुम्हारे साथ ही था, हमारी जोड़ी ने सत्यानाश किया था, अब देखना तुम मनुष्य, अब मैं गया हूं ना, आज कैसे मेरी फॉर्म आई, अब चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। बाबर भैया बोलो, आज आपका दिन है, बस एक ही मैच जीतना था आपने, 100 जीत लिया इस सीजन में भी, पिछले साल भी आप कराची की टीम में थे, एक ही मैच जीते थे, हम मनुष्य नहीं है, हम तो भैया बढ़िया करेंगे, आज पता नहीं क्यों निबल्ला चला। अबे चुप कर शर्जील खान के बच्चे, हम पेशावर में क्या गए, तुम लोगों कराची वालों ने दिमाग खराब करके रख दिया था, बाबर की टीम को ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले मैच में ठोक डाला, अब आगे आगे देखो क्या करते हैं हम, तुमसे कुछ नहीं होगा बस। अब बाबर भैया हमको पता है तुम्हारी टीम जीत गई, हमारी बल्लेबाजी चली नहीं, आखिर में भैया हमने तो आपको नानी याद दिला दी थी, मैं और शेब मलक खड़े थे, आपको तो भैया जिलाब लग गए थे, लेकिन वो किस्मत हमारी खराब, विकेटें गिर गई। अमाद वसीम भैया बोलते जाओ, एक तो आप हारे हो लेकिन बड़बड़ फिर भी करने से नहीं बाज आ रहे हो, चुप करो यार, शर्म कर लो, गंदे तरीके से आपको ठोका है, जीते तो हम ही है ना, जैसे भी जीते, जीत तो गए। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।